हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एच पी जे बी टी टेट की जी के सेक्शन जी के एंड यू सेक्शन प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी साइकोलॉजी सेक्शन डिस्कस कर ली है वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगी ठीक है ये मेरे पास जो क्वेश्चन हैं वो सीरीज़ बी के हैं आप मैच कर लेना ओके वेन डिट द चिपको मूवमेंट स्टार्ट नाइनटीन सेवनटी थ्री सेवेंटी टू सेवनटी फ़ाइव या फिर सेवेंटी सेवन सो चिपको मूवमेंट की शुरुआत हुई थी नाइनटीन सेवेंटी थ्री में क्वेश्चन नंबर टू ऑन विच रिवर द सरदार सरोवर डैम टू बी बिल्ट ऑन गंगा यमुना नर्मदा या फिर सरस्वती राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी दैट इज़ द नर्मदा रिवर जो जीके के क्वेश्चन है वो रिपीट भी हो सकते हैं आपके दूसरे टेट के एग्ज़ाम में भी तो आपने ध्यान से देखने हैं In which elections did the Congress Party give the slogan of Gribi Hatao in India? 1977-71-89, FA204 So, right answer is option B, that is 1971 AD. Question number 4. After independence, when were the first Lok Sabha elections held in India? October 1948, October 1951 to Feb 1952 सी अगस्त नाइनटीन फिफ्टी थ्री या फिर डी अक्टूबर नाइनटीन फिफ्टी सो राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी दैट इज़ अक्टूबर नाइनटीन फिफ्टी वन टू फेब नाइनटीन फिफ्टी टू द इलेक्शन कमीशन फॉर्म्ड इन इंडिया इलेक्शन कमीशन इंडिया में कब बना था अ फेब फिफ्टी वन जनवरी नाइनटीन फिफ्टी जनवरी नाइनटीन फिफ्टी थ्री या फिर फेबररी नाइनटीन नाइन सो राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी दैट इज़ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी जनवरी में भी ट्वेंटी फाइव जनवरी नाइनटीन फिफ्टी क्वेश्चन नंबर सिक्स फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड शेल हैबिट हु सेट दिस लाला लाजपत राय बिपिन चंद्र पाल महात्मा गांधी बाल गंगाधर तिलक सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज बाल गंगाधर तिलक बहुत ही ईजी क्वेश्चन वट वॉज द मिनिमम रिक्वायर्ड एज फॉर वोटिंग बैंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म्ड नाइनटीन ईयर्स ट्वेंटी वन ईयर्स एटीन या फिर सेवेंटीन सो इक्कीस बरस जो थी वो मिनिमम एज थी वोट करने के लिए क्वेश्चन नंबर एट वट मूवमेंट ऑफ द अर्थ कॉज द सीजन्स टू चेंज सीजन्स अर्थ की किस मूवमेंट की वजह से चेंज होते हैं रोटेशन से रेवोल्यूशन से ग्रेविटेशन फोर्स से नन ऑफ दिस और रेवोल्यूशन की वजह से सीजनस चेंज होते हैं वट इज़ टुकान टुकान क्या है बर्ड है एनिमल है वेजिटेबल है फ्रूट है सो so ये एक बर्ड है What kind of document was Wood dispatch or Wood's policy paper about expansion of British Empire in India? The kind of education policy that will be adopted in India about implementation of rule of law in India and none of these. So yeah, ek the education policy thi that will be adopted in India. Uh, question number 11. What kind of विच स्टेट ऑफ इंडिया does द ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर नोट पास through? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो एट स्टेट से गुजरती है सो कौन सी स्टेट है जिनमें से ये पास नहीं होती है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात झारखंड सो यूपी से नहीं पास होगी विच ऑफ द फ्लोइंग गैस प्रोटेक्ट अस फ्राम यू वी रेज सो गैस नहीं इट इज़ अ लेयर जो स्टेटोसफेयर में प्रेजेंट है एटमोसफेयर की लेयर स्टेटोसफेयर में प्रेजेंट है ओ लेयर ओ थ्री जो हमें सन की हार्मफुल यू वी रे से प्रोटेक्ट करती हैं विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट कोर मेंटल नन ऑफ दी सो कोर इज़ द इनर लेयर विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड सहारा गोभी कालाहारी थार सो सहारा डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट विच प्लेनट इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन जुपिटर अर्थ मर्क्यूरी सैटन सो मर्क्यूरी विच आर्टिकल इन आर कॉन्स्टिट्यूशन इरेडिकेट अनटचबिलिटी एटीन सेवनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो आर्टिकल सेवनटीन हाउ टू प्रिवेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग रस्टिंग से हम कैसे बचा सकते हैं जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं हम लोहे की वस्तुओं को क्रिस्टलाइजेशन सेडिमेंटेशन गल्बनाइजेशन या फिर नन ऑफ दी सो से बचाया जा सकता है यानी कि उनको पेंट करके वट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है एफ ई टू ओ थ्री एफ ई थ्री ओ फोर एफ ई सो ये है एफ ई टू ओ थ्री वट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी देखो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे आज लीवर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इंडस्टाइन फूड पाइप सो लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर यकृत द ओनली सक्सेसफुल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लीडर हु ब्राउट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड कलर बहुत ईजी क्वेश्चन हैक्टर पीटरसन नेल्सन मंडेला कोफी अनान बिट्रोस, बिट्रोस खाली सो राइट आंसर इज नेल्सन मंडेला ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द प्लान दैट कैप्चर्स इंसेक्ट्स फॉर इट्स स्प्रे इज कॉल्ड अमरबेर या फिर डॉडलर्स गुडल या फिर हिबिस्कस पिक्चर प्लांट रोज सो जो प्लांट कैप्चर करता है इंसेक्ट्स को उसको कहते हैं पिक्चर प्लांट ऑप्शन सी वट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एशिया अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अमेरिका सो राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री डज़ यांगसी रिवर फ्लोज थ्रू इंडिया पाकिस्तान तिब्बत चाइना तो ये नदी चाइना में बहती है सबसे बड़ी नदी है चाइना की वैन डिड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्राम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इंटू फोर्स इन इंडिया टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड सिक्स या फिर डी टू थाउजेंड सेवन सो so, ये शुरू हुई थी ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर टू थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विच पॉइंट ऑफ इंडिया इज द इंदिरा पॉइंट लोकेटेड इन नर्दर्न पार्ट सदरन पार्ट वेस्टर्न पार्ट ईस्टर्न पार्ट सो राइट आंसर इज सदरन पार्ट ऑप्शन बी Which state is Chilka Lake located in India? Telangana, Andhra Pradesh, Odisha or Tamil Nadu? So Odisha is the right answer, Chilka Lake. Where is the only active volcano located in India? On Pitti Island, Kavaratti Island, Lakshadweep, Barren Island. So right answer is Barren Island, option D. Question number 28. वट वॉज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोज बाय द मध्य प्रदेश गवर्मेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नर्मदा रिवर नमामि गंगे तापी जल संरक्षण योजना नदी जल संरक्षण योजना नमामि देवी नर्मदे सो राइट आंसर इज नमामिवी नर्मदे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट हुज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम फ्रॉम फेयर नैसन मंडेला ऑंगसन सुकई विपिन चंद्रपाल ऑप्शन डी बा गंगाधर तिलक सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी Question number 30 when did the general assembly of united nations adopt and protect the universal declaration of human rights 1st december 1946 11 december 1945 1st january 1947 FAD, 10 december 1948 so right answer is option d that is 10 december 1948 ओके okay. सो so, हमने पूरे थर्टी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए इस सेक्शन से इस सेक्शन के बाकी क्वेश्चंस में हम देखेंगे साइकोलॉजी की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं एंड कल भी आपके एग्जाम है उसके बाद भी एग्जाम है तो आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर